अभी हाल ही में भारत सरकार ने नई पार्लियामेंट को लेकर इच्छा जाहिर की है, और इस कोविड-19 में वो कहाँ तक वाजिब होगी। भारत सरकार चाहती है कि एक पार्लियामेंट की नई पार्लियामेंट के लिए एक बिल्डिंग बनाई जाए। अब वो इस कोविड-19 में जो सिचुएशन चल रही है उसमें ये कहाँ तक वाजिब होगी, इसी को लेकर राइटर आज बात करने वाला है। फ्रेंड्स, विस्टा, विस्टा का मतलब परिदृश्य, कि भाई कहीं ना कहीं पर ये जो ताजा दृष्टिकोण बन रहा है, ये जो विस्टा तैयार हुआ है, ये क्या है? अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। एक जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है विल बी सेलिब्रेटरी, कि भाई वो कहीं ना कहीं सेलिब्रेटरी होगी, उस पर कहीं ना कहीं हमें उसे सेलिब्रेट किया जाएगा। इफ सेलिब्रेट सब लोग समझते हैं उत्सव मनाना, तो यहाँ पर सेलिब्रेटरी का मतलब है कहीं ना कहीं वो उसका उत्सव मनाया जाएगा, उसकी खुशी होगी। इफ ऑल हैव, अगर सब लोगों तक एसेस टू हेल्थ, अगर भाई सब लोगों तक जो है ना हेल्थ पहुंचती है, और प्रोस्पेरिटी मतलब सब लोगों की जो हेल्थ है अगर वो अच्छी हो जाती है और सब लोग समृद्ध हो जाएंगे, तभी एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सेलिब्रेटरी होगी। तभी जो उसका सेलिब्रेशन किया जाएगा जब सब लोगों की हेल्थ सेफ हो और सब लोगों को प्रोस्पेरिटी मिल जाए। अभी कोरोना की वजह से क्या हुआ है, लोगों की जो हेल्थ है बहुत इफेक्ट हुई है, वो बहुत अफेक्ट हुई है सॉरी, और हेल्थ के चलते चलते लोगों के पास भाई लोगों की जो जॉब है वो चली गई है, लोगों का जो काम है बिजनेस है वो ठप हो गया है। इसलिए उन लोगों के पास जो है ना पैसा भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं बोल रहा है कि जब उनको प्रॉस्पेरिटी और क्या हेल्थ मिल जाए, तभी हम लोगों को हम लोग क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे पार्लियामेंट, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको लेकर। लेइंग द फाउंडेशन, नींव रखते हुए, लेइंग का मतलब होता है रखना, किसकी फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब नींव, नींव जो हम लोग जानते हैं ना किसी चीज की नींव रखना, जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी नींव रखते हैं ना, नींव रखते हुए एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए फॉर इंडिया शुड बी अ सेलिब्रेटरी ओकेजन, कि इंडिया के लिए एक सेलिब्रेटरी ओकेजन होना चाहिए, इंडिया को उत्सव मनाना चाहिए भाई एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है। वन दैट किसी के लिए भी, दैट एवरी सिटीजन, कोई भी पर्सन हो जो एवरी वन दैट एवरी सिटीजन वुड प्राउडली क्लेम एज अनदर एडिफाइस। एडिफाइस का मतलब होता है इमारती है ना, बुनियादी ढांचा ऑफ अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। थ्राइविंग का मतलब होता है फूलना बढ़ना। कह रहे हैं कि एक बात यह है कि कोई भी आदमी गर्व से क्लेम करेगा कि ये एक अनदर एडिफाइस है, कि भाई एक दूसरा बुनियादी, ये एक दूसरी बुनियादी ढांचा है जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बढ़ रही है। भाई क्या हो रहा है, भाई एक नई बिल्डिंग का जो प्रस्ताव लेकर सरकार आई है वो चाहती है कि भाई नई बिल्डिंग बननी चाहिए पार्लियामेंट के लिए। यार इसको लेकर कोई भी आदमी क्या करेगा, प्राउडली गौरव रूप से दावा करेगा कि भाई जो हमारी डेमोक्रेसी है वो फल फूल रही है ना, और ये हमारी डेमोक्रेसी फल फूलने का एक बुनियादी ढांचा है कि भाई नई बिल्डिंग हम जो बना रहे हैं ना, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। देखिए क्या कह रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक अवसर है फॉर एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब समझौते के लिए। क्या समझौता, कि भाई रिफ्लेक्टिंग अ प्लूरिस्टिक, कि भाई जो चीज, ये जो चीज दिखाती है वो प्लूरिस्टिक को दिखाती है और प्रोग्रेसिव इथोज को दिखाती है। कि भाई देखिए इस कोविड-19 में भी एक नई पार्लियामेंट बनाने वाले हैं, तो इससे क्या लग रहा है कि एक अवसर है एक समझौते के रूप में, कि जो ये दर्शाता है कि प्लूरिस्टिक, प्लूरिस्टिक मतलब बहुलवादी और एक प्रोग्रेसिव, उन्नति से भरा लोकाचार ना, कि सारी चीजें भाई प्रोग्रेसिव में है ना, सारी चीजें एक प्रोग्रेसिव मोड चल रहा है, ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाती हैं। यट हालांकि फिर भी द सेरेमनी इज नाउ, कि भाई जो समारोह होना था, समारोह सब लोग समझते हैं, जो समारोह जो उत्सव होना था, समारोह जो होना था वो अब क्या है, इज नाउ पोज्ड, उसको रोका गया है टू टेक प्लेस अंडर द शैडो ऑफ लिटिगेशन। कि कहीं ना कहीं
जो उत्सव होना था ये एक मुकदमेबाजी में अभी चल रहा है। मुकदमेबाजी के चलते हुए इसको जो है ना अंडर प्लेस है ये अभी, है ना, कि अभी जो सेरेमनी है उसको रोका गया है, क्योंकि अभी ये चीजें जो है ना एक मुकदमेबाजी में चल रहे हैं विद द सुप्रीम कोर्ट अलाउिंग। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करते हुए कि भाई जो इवेंट है, भाई जो उत्सव है उसको क्या होगा, उसको मनाया जाएगा बट टेम्परली रिस्ट्रेनिंग, यानी टेम्परली रूप से उसको क्या गया है, रोका गया है, टेम्परली रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को रोका गया है। क्यों रोका गया है? फॉर मेकिंग साइट एलिट्रेशन, कि भाई जो सरकार है वो क्या कर ले, एलिट्रेशन का मतलब है फेरबदल करना, कि साइट में फेरबदल कर ले जहां पर पार्लियामेंट बननी है, और कुछ ऐड करना वो ऐड कर ले इन द फॉर्म एडिशंस। और भाई क्यों रोका गया, देखिए डेमोलिशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, कि भाई जब ये बिल्डिंग बनेगा तो उससे क्या होगा, जो जहां पर बिल्डिंग बनेगा वहां पर जो पहले से स्ट्रक्चर होगा उसका भी डेमोलिशन होगा, और कंटिन्यूड रिमूवल ऑफ ट्रीज, और भाई जो ट्रीज है उनको भी वहां से रिमूव किया जाएगा। तो ये चीज, ये जहां पर बिल्डिंग बननी है वहां पर जो स्ट्रक्चर है वो डेमोलिशन होगा, है ना, और फिर पेड़ों को रिमूव किया जाएगा। तो ये चीजें अभी कहाँ हैं, अभी भैया मुकदमेबाजी में चीजें हैं, तो इसके चलते सेरेमनी को रोक दिया गया है ना। द न्यू बिल्डिंग, जो नई बिल्डिंग है विच इज पार्ट ऑफ नरेंद्र मोदी, देखिए क्या बोल रहा है, जो नई बिल्डिंग है ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्लान है टू मॉडिफाई द सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा किसको बोल रहा है? सेंट्रल विस्टा बोल रहा है भाई जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनानी है, टू मॉडिफाई मतलब तैयार करने में, स्काईलाइन का मतलब होता है रूपरेखा, कि भाई ये जो मोदी सरकार का एमबीएस प्लान है वो लुटियंस दिल्ली, लुटियंस मतलब जो इंग्लिश आर्किटेक्ट थे ना पहले समय में, ये उनके अकॉर्डिंग इसकी रूपरेखा तैयार करना है। भाई जो नई बिल्डिंग है वो नरेंद्र मोदी सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्लान है, जो इंग्लिश आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना था, इसको मॉडिफाई करना है भाई, नई तरीके से इसको कहीं ना कहीं इसकी रूपरेखा तैयार करना है। भारत सरकार ये चाहते आती है कि जो नई पार्लियामेंट बने वो नई रूपरेखा के तैयार, नई रूपरेखा के साथ जो है ना पार्लियामेंट की रूपरेखा तैयार की जाए नए प्लान के साथ। और कह रहा है लुटियंस दिल्ली विल कॉस्ट एन, कि भाई देखिए इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी ना, लगभग ये जो प्लान बनाया है सरकार ने कि नई तरीके से इसको बनाया जाए, इसकी एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होगी 971 करोड़ होगी, देखिए, एंड बी एबल टू अकोमोडेट, और ये चीज बी एबल टू अकोमोडेट, और ये तैयार हो जाएगी अ मच लार्जर मेंबर, एक बहुत बड़ी संख्या में जो बहुत बड़ी संख्या में जो एमपीज हैं उनके लिए ये तैयार हो जाएगी। और आगे बता रहा है देखिए 888 इन लोकसभा, भाई जो एमपी है 888 इसमें लोकसभा में और 384 इसमें राज्यसभा में, तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखिए कि इनके लिए क्या हो जाएगी, तैयार होगी। जस्ट वीक एगो, कुछ वीक्स पहले द हाउसिंग, जो आपके आवासीय एंड अर्बन अफेयर शहरी मामलों की जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि द ओवरऑल कॉस्ट, कि जो ओवरऑल कॉस्ट होगी रीडेवलपमेंट की, दोबारा बनाने की, सेंट्रल विस्टा को मतलब इस पार्लियामेंट को, हैड नॉट बीन कैलकुलेट, वो अभी कैलकुलेट नहीं की गई है, नॉट बीन कैलकुलेट, कि उसको कैलकुलेट नहीं किया गया था, बट लेकिन जो प्लान है मतलब लगभग कह रहे कि 971 करोड़ होगा, लेकिन जो आपके अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने कहा कि इसको कैलकुलेट नहीं किया गया था, लेकिन जो प्लान है लगभग वो किसमें है, रन इंटू, वो जो चल रहा है रन इंटू वो थाउजेंड, देखिए रन के साथ जो प्रिपोर्शन आता है वो इंटू आता है, ये लगभग वो हजारों करोड़ का है। तो यहीं पर एक बात और बता दूं, 1000 करोड़ लैक से पहले अगर 1 2 3 4 नहीं है, ठीक है, तो हम लोग 1000 लाख करोड़ में क्या लगाते हैं, एस या ES हम लोग लगाते हैं, हम लोग कहते हैं हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं पता, अगर 1 2 3 4 आता तो हम कहते हैं 1000 करोड़, ठीक है ना, 1000 करोड़, 2000 करोड़, ठीक है। इन्वॉल्विंग, इसमें जो
ये जो प्लान चल रहा है इसमें क्या क्या है, अमंग अदर थिंग, दूसरी चीजें भी हैं, अ न्यू सेंट्रल सेक्रेटरिएट, एक नया सचिवालय, एंड द ऑफिस और ऑफिसेज हैं, एंड द रेजिडेंसीज और निवास भी हैं, किसके, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के, है ना भाई, वाइस प्रेसिडेंट के आपके, किसके, प्राइम मिनिस्टर के, एंड इपोकल प्रोजेक्ट, कह रहा है ये बहुत ही हाईली इपोकल होता है, हाईली सिग्निफिकेंट, ये एक हाईली सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है। उसका जो टाइम रखा हुआ है, देखिए क्या है टाइम फॉर कंप्लीशन, पूरा करने का, वो क्या है, वो आगे आने वाली 75th एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस की, है ना, कब, 2022 में, 2022 में, है ना, इंडिपेंडेंस की 75 एनिवर्सरी तक का इसका टाइम रखा है कि 2022 तक इसको क्या कर लेंगे, जब हमारी 75th एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस की, है ना, तो भैया तब तक इसको हम क्या कर लेंगे, पूरा भी कर लेंगे। इट्स प्रेजेंट अ रेयर मोमेंट टू इन्वॉल्व सिटीजन एंड बिल्डिंग कंसर्न्स, है ना, कंसर्न्स क्या कह रहा है कि ये चीज जो है ना, ये क्या प्रस्तुत करती है, एक रेयर मोमेंट को बताती है, टू इन्वॉल्व सिटीजन, किस में जो सिटीजन्स है वो इन्वॉल्व होंगे, है ना, ये एक रेयर बात है, कहीं ना कहीं एक रेयर मोमेंट को ये दर्शाती है, और एक कहीं ना कहीं बिल्डिंग कंसर्न्स, कहीं ना कहीं एक सहमति बिल्ड होगी, है ना, ये एक रेयर मोमेंट है, क्योंकि अभी देखिए कोविड-19 चल रहा है, लोगों की जॉब चली गई, लोगों के पास पैसा नहीं है ना, बहुत सारे लोगों को भाई खाने में भी, खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो क्या है ये, लेकिन जो भारत सरकार प्रस्ताव लेकर आई है, इस पर जो है ना, लोगों में एक सहमति बनेगी, एक रेयर मोमेंट है, लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, अपनी अपनी जो है ना, अपनी जो है ना कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, अपनी भागीदारी दिया, अपनी भागीदारी दिखाएंगे कहीं ना कहीं, ये बोल रहा है। बट लेकिन जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो जो जोर दे रही है अहेड एट ए केयर, सॉरी चेयरलेस टाइम, कह रही है वो आगे के लिए जोर दे रही है इसमें, एक चेयरलेस टाइम में, चेयरलेस मतलब देखिए चेयरलेस कह रहा है कि बेरोनक, बेरोनक मतलब रौनक ही नहीं है, कि भाई इस समय में गवर्नमेंट इस चीज पर जोर दे रही है, व्हेन द कंट्री रिमेन्स, जबकि कंट्री जो है ना वो डिसमेड हो रही है, डिसमेड का मतलब है कहीं ना कहीं भाई लगातार क्या हो रहा है कंट्री में, चीजें खत्म हो रही है, डिसमे का मतलब होता है खत्म होना, ये चीजें जो है ना खत्म होने की तरफ बनी हुई हैं, ओवर इज स्लोविंग, कि भाई एक जो इकोनॉमी है वो स्लो है, एंड द डबल ब्लो ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, और एक दोहरी रूप से एक झटका है, देखिए कंट्री जो है ना स्लो है, और अभी जो डबल रूप से झटका चल रहा है किसका, कोविड-19 का, इसकी वजह से जो टाइम है वो चेयरलेस टाइम है, कि हम लोग इस चीज को चेयर भी नहीं कर सकते, खुशी भी नहीं मना सकते, ठीक है, डिसमे का मतलब होता है खत्म होना। भाई आगे देखते हैं, इट इज रीजनेबल, देखिए क्या कह रहा है, ये वाजिब है टू एज्यूम करना, अनुमान लगाना, दैट इवन विद ए स्ट्रोंग रिवाइवल, चलो ये वाजिब है ये एज्यूम करना कि भाई एक मजबूती रूप से इकोनॉमी जो है दोबारा पुनर्जीवित होगी ना, इन अ पोस्ट वैक्सीन इरा, कि भाई जो वैक्सीन का जो युग आ जाएगा, भाई जो वैक्सीन जो है ना लोगों को जब लगाई जाएगी पोस्ट वैक्सीन इरा, मतलब वैक्सीन का जो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, कि चलो भाई ये वाजिब है जूम करना कि इकोनॉमी एक मजबूती रूप से आगे बढ़ेगी, द डेबिलिटेशंस कैन नॉट बी इजिली ओवरकम। अब देखिए डेबिलिटेशंस का मतलब होता है जो ये दुर्बलीकरण हो रहा है, कि भाई जो चीजें सारी खराब हुई हैं, डेबिलिटेशंस मतलब जो चीजें सारी खराब हुई हैं, इसको इतना आसान नहीं है इस पर काबू पाना, ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, कि भाई लोगों की जॉब चली गई है, और जो है ना इकोनॉमी बहुत स्लो हो रही है ना, और लगातार भाई कोविड-19 अभी चल ही रहा है, इससे जो चीजें दुर्बल हुई हैं इन पर ओवरकम पाना इतना आसान नहीं हो सकता, द गवर्नमेंट्स इंटरवेंशंस, और गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है, इंटरवेंशंस मतलब हस्तक्षेप, सो फार हैव लार्जली बीन टू इंक्रेस, कि इतना है इतना कि जो गवर्नमेंट है वो इतनी जो है ना एंकरेज है, उत्सुक है ना, प्राइवेट कंजप्शन एंड मॉडेस्ट रिवाइवल ऑफ बिजनेस, कि भाई जो प्राइवेट कंजप्शन हो रही है, खपत हो रही है, और मॉडेस्ट रिवाइवल है बिजनेस का, उसके लेकर
गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है वो कहीं ना कहीं एक एनकरेज को दिखाता है, कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस चीज को लेकर बहुत एनकरेज है ना, उत्साह को दिखाता है कि भाई जो खपत हो रही है ना, और अब थोड़ी सी जो खपत आप लोग को पता है कि बढ़ गई है ना, और मॉडेस्ट रिवाइवल हो रहा है कि धीरे धीरे जो बिजनेस जो है शुरू हो गया है, उसको लेकर गवर्नमेंट सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उत्सुक है, व्हाइल इट्स ऑन कंजन, जबकि इसकी जो कंजप्शन है सरकार की खुद की खपत, उसकी खपत का जो खर्च है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, कि लगभग आधे साल में हैज बिन बिलो, वो बहुत ही कम है दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रीवियस ईयर। अगर भाई इस चीज को पिछले प्रीवियस ईयर में देखा जाए, भारत सरकार का खुद का जो खपत खर्चा है ना, वो पिछले साल की बजाय इस बार का जो आधा साल है, ये जो आधा साल है वो बहुत ही कम देखा है, बहुत ही कम दिखाई दिया है। दिस इन इफेक्टिव इंश्योर द प्रसिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन। देखिए क्या बोल रहा है, कि इसकी वजह से जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट आया वो इंश्योर करता है कि खपत कम हो रही है, खर्चे कम हो रहे हैं ना, परसिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस की दृढ़ रूप से, परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ रूप से जो जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना, अहम रूप से जो जीडीपी सिकुड़ी है, जीडीपी जो गिरी है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचित होना। ये चीज जो है ना, इस बार सरकार की खबर जो है आधी हो गई है पिछले साल की बजाय, ये जीडीपी की कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। इवन ऑन द क्वेश्चन ऑफ, इवन मतलब एक क्वेश्चन पूछे पर, इवन द क्वेश्चन ऑफ द फ्री कोविड-19 वैक्सीन, अगर बात करें इवन फ्री कोविड-19 वैक्सीन के क्वेश्चन की बात करें, द गवर्नमेंट हैज बीन प्री वेरिकेटिंग, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, प्री वेरिकेटिंग कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं जो प्री वेरिकेटिंग का मतलब होता है, देखिए कहीं ना कहीं अगर बात करें छल कपट करना, ये यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि सत्यापन करना विद नो एश्योरेंस ऑफ यूनिवर्सल वैक्सीन, मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसको बिना किसी इंश्योरेंस के, विद नो एश्योरेंस है ना ऑफ यूनिवर्सल वैक्सीन, कि यूनिवर्सल रूप से कोई बिना सत्यापन के, एश्योरेंस का मतलब है सत्यापन के, क्या कर रही है, प्री वेरिकेटिंग कर रही है ना, बस सत्यापन दे रही है कोविड-19 वैक्सीन को यूनिवर्सल रूप से है ना, सार्वभौमिक रूप से है ना, जो वैक्सीनेशन है उसको कहीं ना कहीं वो सत्यापन दे रही है, विद कंसर्न्स ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि भाई कुछ ऐसी चिंताएं हैं कि भाई कैसे एलोकेशन होगा, भाई रिसोर्सेस कैसे वितरित होंगे, भाई वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी है ना, उसका जो एलोकेशन है उसका वितरण है कैसे होगा। इट कैन नॉट बी, देखिए इट कैन नॉट बी एनीवन्स गेसेस दैट साइनिंग न्यू सेंट्रल विस्टा स्ट्रक्चर्स विल ऐड टू द लस्टर ऑफ एंड इंडिपेंडेंस जुबली। जुबली देखिए कह रहा है 75 ईयर्स की, जो 75 ईयर्स जो हम 2020 में क्या करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो कह रहा है देखिए इट कैन नॉट बी एनीवन्स केस, कि भाई ये चीज जो है ना किसी की भी केस में नहीं हो सकती, कि भाई जो हम लोगों ने एक साइनिंग स्ट्रक्चर तैयार किया ना सेंट्रल विस्टा को लेकर, एक पार्लियामेंट स्ट्रक्चर को लेकर, कि कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, एक चमक ऐड कर देगा इंडिपेंडेंस जुबली पर, कि 2022 तक जो प्लान बनाया है सरकार ने कि कंप्लीशन हो जाएगा, कि भाई ये किसी भी केस में नहीं हो सकता है ना, क्योंकि रीजन क्या है भाई, इकोनॉमिक जो है ना बहुत डाउन हो रही है ना, तो मेरी बात क्लियर होगी भी कि किसी भी केस में जो है ना एक साइनिंग प्रोजेक्ट जो तैयार किया है, स्ट्रक्चर जो तैयार किया है, कि भाई ये जो इंडिपेंडेंस जुबली होगा उसमें ये चांद नहीं लगा सकता, उसमें ये चमक नहीं पैदा कर सकता। दे आर ऑल्सो इंडिकेशंस, कि यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस भी हैं कि सेंटर का जो BWD विभाग है वो कोशिश कर रहा है मॉडिफाई करने की ओवरऑल डेवलपमेंट को, कि कहीं ना कहीं वो पूरा ही डेवलपमेंट करना चाहता है ना, किसको, दोबारा चीजों को है ना, उनका पूरा प्लान है कि भाई पार्लियामेंट जो है ओवरऑल पूरी पार्लियामेंट को जो है ना दोबारा बनाया जाए, और ये क्या है, बिना देरी किए ऑन द गो है ना, सो मेरी बात क्लियर होगी, कि बिना देरी किए वो पूरा जो है ना उसको बनाना चाहता है PW विभाग,
इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस पीस मील आफ्टर गेटिंग अप्रूवल्स, यानी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूसिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं परिचय देते हुए, है ना, ये कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाते हुए, है ना। चेंजिंग पीस मील, पीस मील का मतलब है दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके कि भाई जो चेंजेस हैं या अप्रूवल के बाद उनका जो प्लान है कि थोड़ा थोड़ा करके उसको क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके अप्रूवल मिलते ही वो उसको तैयार करने के मूड में चाहता है, वो चाहता है कि इसको तैयार किया जाए अप्रूवल मिलते ही। कौन? पीडब्ल्यूडी, विच द एक्सपर्ट अप्रेजल। लेकिन यहां पर देखिए क्या बात कर रहा है, कमेटी हैज फ्रोन अप, फ्रोन अप एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रोन अप का मतलब होता है असहमति देना, कि कहीं ना कहीं भाई जो मूल्यांकन करने वाली एक्सपर्ट की जो कमेटी है उन्होंने असहमति जाहिर की है, बट वो नहीं चाहते कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब असहमति देना। इन अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रेस, कि भाई कहीं ना कहीं ये जो अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रेस चल रही है, ये जो आफत आई हुई है, ये जो विपत्ति चल रही है किसकी, कोविड-19 की। अनप्रेसिडेंट मतलब अभूतपूर्व, ये एक साल में जो, एक साल से जो क्या चल रही है, ये आफत जो आई हुई है, इसकी वजह से जो एक्सपर्ट हैं वो नहीं चाहते, वो नहीं फेवर में है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो। व्हाट इज सीन एज ग्रांड मे अपियर ग्रेडोनाइज टू स्ट्रिकन सिटीजन, सिटीजन स्ट्रिकन का मतलब होता है पीड़ित, दुख। ये कह रहा है व्हाट इज सीन, कि क्या सीन किया जाए, व्हाट इज सीन एज ग्रांड मे बी, कि भाई ये जो ना चीज बहुत भव्य हो सकती है ना, व्हाट इज सीन मतलब जो देखा गया है, एज ए ग्रांड, ग्रांड मतलब शानदार, ये शानदार से भी और ज्यादा शानदार, है ना। ग्रैंडोनाइज का मतलब होता है भव्यता, ये जो चीज जो है ना बहुत ज्यादा भव्यता होगी, मतलब इतना अच्छा जो चीज, मतलब कहीं ना कहीं दोबारा चीजों को रिनोवेट करने की जो बात चल रही है ना, मतलब दोबारा चीजों को डेवलपमेंट करने की जो बात चल रही है और एक नए तरीके से, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा और ये चीज बहुत ज्यादा शानदार होगी, कहीं ना कहीं सिटीजन को क्या करेगी, स्ट्राइकन करेगी, दुख पहुंचाएगी। क्यों दुख पहुंचाएगी, क्योंकि हु नीड एवरी रूपी, कि भाई सिटीजन को जो है ना आजकल एक एक पैसे की जरूरत है अपनी लाइफ को दोबारा, अपनी जो लाइफ है उसको दोबारा स्टेबलाइज करने में, दोबारा स्थापित करने में। क्या हुआ है, लोग की लाइफ जो है बहुत डिस्टर्ब हो गई है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर भाई ऐसा होगा, ये चीज इतनी शानदार बनेगी, इतना पैसा लगेगा, तो लोग जो है ना इससे कहीं ना कहीं स्ट्राइकर होंगे, पीड़ित होंगे, और लोगों को अब आवश्यकता है एक एक रुपए की भाई अपनी लाइफ को दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए ना। आप लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को कोविड-19 की वजह से लाइफ जो है ना बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, कुछ लोग तो यहाँ तक कि सुसाइड भी कर रहे हैं, इतनी भुखमरी आ गई है। दे वुड बी जस्टिफाइड इन आस्किंग, कह रहा है वो कहीं ना कहीं जो है ना जस्टिफाइड करेंगे पूछने में सरकार से, व्हाई द हाउस कैन नॉट बी, कि क्यों हाउस को ब्यूटिफाइड नहीं किया सकता, इसेंशियल रिपेयर्स, कि जितनी जरूरत है उतनी रिपेयर किया जाए उसको, उसको तैयार किया जाए। हैव बीन मेड टू रेंडर इट सेफ, कि भाई इसमें, इसमें जो जितनी भी चीजें हैं ना इसको प्रस्तुत करने में, रेंडर का मतलब होता है प्रस्तुत करने में, कि भाई एक अच्छी तरह से चीजें प्रस्तुत हो जाए, मतलब चीजें सेफ हो जाए, वे चीजें जो है ना एक सेफ मोड में आ जाए। क्यों नहीं इन चीजों को दोबारा, जो आवश्यक रिपेयर्स है, क्यों नहीं भाई जो पार्लियामेंट पुरानी है कि उसको रिपेयर कर दिया जाए, कहीं ना कहीं वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हाउस है कैन नॉट बी ब्यूटिफाइड, कि भाई जो खुद पहले से जो हाउस है पार्लियामेंट जो है, कि क्यों नहीं उसको जो जरूरत, जरूरत की रिपेयर है वो रिपेयर कर दी जाए, ठीक है ना, और उसको सेव कर दिया जाए, सुरक्षित कर दिया जाए। द वीकेस्ट लिंक एक्सपोज्ड बाय द पेंडेमिक, कि भाई पेंडेमिक ने एक बहुत बुरा लिंक हमें दिया है, एक बहुत बुरी चीज सामने निकल कर आई है कि हेल्थ केयर, वो क्या है, वो हेल्थ केयर है, कि भाई देखिए हेल्थ की फैसिलिटी आपने देखा होगा दिल्ली में तो भैया बहुत बुरा हाल हुआ है, और कोविड-19 के जो मरीज थे उनको बेड भी जो है ना नहीं मिला है, और सही से ट्रीटमेंट भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा लिंक सामने हुआ है, एक्सपोज हुआ है, और वो हेल्थ केयर है, कि लोगों की हेल्थ के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। एंड द सेवेंथ एनिवर्सरी शुड बी एन ओकेजन टू गारंटी दैट, यानी 75th जो एनिवर्सरी होनी चाहिए वो एक अवसर, एक ओकेजन होना चाहिए, है ना, उत्सव होना चाहिए कि हम इसको सुरक्षित करें, कोविड-19 में जो हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं भाई इसको सुरक्षित करें हम, है ना। अ न्यू पार्लियामेंट कुड देन, तब एक न्यू पार्लियामेंट जो है ना बनाई जा सकती है और फिर उसको सेलिब्रेट किया जा सकता है सच एन अचीवमेंट, एक अचीवमेंट के तौर पर, कि भाई पहले एक जो कमी निकल कर आई है किसमें, हेल्थ सिस्टम में, पहले उसको इम्प्रूव किया जाए, है ना, ठीक है। तो जो एक वीकेस्ट लिंक दिख रहा है,
तब उसके बाद एक नई पार्लियामेंट बनाई जाए, तब ये एक अचीवमेंट हो सकता है। आई होप सो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हुई होंगे। क्लियर हुए तो प्लीज लिख दिया करें यस। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।